जी हाँ नो प्यारे विद्यार्थियों, पंजाब स्टेट एजुकेशन बोर्ड की 9वीं जमात की अंग्रेजी की किताब इंग्लिश ग्रामर उसका लेसन नंबर 2 मॉडल्स उस दियां पहलियां 3 एक्सरसाइजेज एक्सरसाइज 1, 2 एंड 3 इस वीडियो च करन जा रहे हाँ। सो तुसी नोटबुक अते पेन ले लो ते सारे आंसर्स नू कॉपी डाउन कर लो और बाद विचों इन्हां सारी एक्सरसाइज नू तुसी बिना देखे आप करन दा अभ्यास जरूर करना है। सो आओ शुरू करिए। अगे वधन तो पहले मैं दसदा कि इसी चैनल के उत्ते चटसाल के उत्ते 9वीं जमात दियाँ 5 प्लेलिस्टां हो रही हैं, तुसी उन्हां दा लाहा भी लै सकते हो। 9th इंग्लिश MCB, दूजी हैगी है 9th इंग्लिश सप्लीमेंट्री, तीजी हैगी है 9th साइंस, चौथी हैगी है 9th मैथ ते पंजवीं हैगी 9th मैथ नोट्स। सो इंग्लिश दी जिहड़ी दूजी किताबां ने उहदा काम भी चल रहा है, वो भी तुसी देखो ते मैथ और साइंस दी लोड़ां भी तुसी पूरियां कर सकदे हो। सो देखिए जी एक्सरसाइज 1 ने की कहंदी है, सॉरी एक्सरसाइज 1 कहंदी है फिल इन दी ब्लैंक्स विद विल या शैल या नीड या मस्ट या यूज टू। फिल इन दी ब्लैंक्स खाली स्थान विच इन्हां विचों कोई भी जिहड़ी मॉडल है वो तुसी भरना है। सो देखो मैं नाल नाल समझाई जावांगा। माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी या नानी। हुण ग्रैंड मदर बच्चों हुण अंग्रेजी दी मजबूरी है, वो नानी नूं भी ग्रैंड मदर कहिंदे ने ते दादी नूं भी ग्रैंड मदर कहिंदे ने। जे थोड़ी पछाण करानी होवे फिर वो कह देंदे ने मैटरनल ग्रैंड मदर। मैटरनल मने मापिआं वाले पासे दी, माँ वाले पासे अर्थात नानी। ते दादी होवे फिर कह देंदे पैटरनल ग्रैंड मदर, भई बापू वाले पासे दी, मतलब कि अर्थात दादी। सो साडी पंजाबी च देखो बच्चो किन्नी वधिया गल है भी दादी दी और नानी दी पछाण शब्दां राहीं हो जांदी है, पर ग्रैंड मदर का हुण भुलेखा है, तुसी इहनूं नानी मान लो या दादी मान लो। ठीक है। सो माई ग्रैंड मदर यूज टू, ए बच्चे यूज टू तां वरत्या जांदा है जदों बीते विच असी कोई कम करदे सी ते हुण नहीं करदे। ठीक है ना। जिदां मैं कहां आई यूज टू एक्सरसाइज अ लॉट, मैं एक समय बहुत एक्सरसाइज करदा सी। ठीक है ना। या आई यूज टू प्ले फुटबॉल, अर्थात मैं कभी फुटबॉल खेडता सी हुण नहीं खेडता। ठीक है। सो यह मतलब होंगे यूज टू। सो माई ग्रैंड मदर यूज टू गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक, मेरे दादी जी या नानी जी सवेर की सैर लई जाते सी। यूज टू गो जाते सी एवरी डे, हर रोज़, इन हर यूथ। इन हर यूथ मैने दादी जी अपनी जवानी वेले, यूथ मैने जवानी। सो मेरे दादी जी या मेरे नानी जी अपनी जवानी वेले रोज सवेरे सैर ली जाते सी। सो इत्थे का यूज्ड टू। ठीक है। विल ते बिल्कुल नहीं आ सकता, ए ते फ्यूचर की गल आ जाएगी, शैल भी नहीं आ सकता, नीड भी नहीं आ सकता, मस्ट भी नहीं आ सकता। ठीक है ना। क्योंकि ए पास्ट की गल हो रही, बीते की गल हो रही, इन हर यूथ। हुण ग्रैंड मदर दादी तो जवानी की गल कर रहे हैं, फिर अर्थात जदों जवान सिगे तो रोज सवेरे सैर ली जाते सी। ठीक है। फिर आ गया यू मस्ट कीप योर प्रोमिसिस। हम बच्चों कीप योर प्रोमिस या कीप वंस प्रोमिस एक फ्रेज है, प्रोमिस मैंने वादा, कीप वंस प्रोमिस होंगे अपने वादे को निभाना या जो वचन दिता है उसे पूरे उतरना, खरे उतरना। सो यह मस्ट मैंने जरूरी है, तो बड़ी वधिया गल है कि यह ड्यूटी भी कह सकते हैं। यू शुड कीप योर प्रोमिसिस, अगर मान लो एक वड्डा छोटे नूं उपदेश कर रहा है, मतलब कि एक तरह फर्ज बनता है, तां असी शुड भी वरत सकते हैं। यू शुड कीप योर प्रोमिसिस। कोई जिदा टीचर बच्चों को सिक्ख्या दे रहा है या कोई प्रचारक अपने चेलियां सिक्ख्या दे रहा है या मापे अपने बच्चों कोई गल समझा रहे हैं, तो असी शुड भी वरत सकते हैं। पर जे कोई साडा हम उम्र हैगा, दोस्त हैगा, उन्हें अपनी गल बचन से पूरा नहीं उतरिया, या साडा कोई हम उम्र का मतलब कि पीयर हैगा, साडा पीयर भी नहीं, साडे मतलब कि जैसे फॉर्मैलिटी वाली गल नहीं है, उम्र का बहुता फर्क नहीं है, तो या कोई गाहक या गाहक की गल या कोई दुकानदार की गल हो रही है या व्यापार के कोई दो पार्टियां की गल हो रही है, तो असीद कहें यू मस्ट कीप योर प्रोमिसिस, यू मस्ट, कि तेनों अपना वादा जरूर निभाना चाहिए कि तू यह गल ठीक नहीं किया। सो असी मस्ट भी वर्त सकते हैं, यूज शुड भी वर्त सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन। शुड थोड़ा हो जाता है कि तुम्हें करना चाहिए है, मतलब कि यह फर्ज बनता सी, तो मस्ट मनिया भी जरूर, ये तो जोर दे के कहा जा रहा है यू मस्ट कीप योर प्रोमिसिस, तुम्हें अपना वादा निभाने चाहिए ने। ठीक है। ही नीड नॉट गो टू द मार्केट, उन्होंने मार्केट जाने की लोड़ नहीं।
आई हैव ऑलरेडी ब्रॉट दी वेजिटेबल्स। आई हैव ऑलरेडी मैंने मैं पहला ही ब्रॉट ब्रिंग दी थर्ड फॉर्म में हैव हैज हैड दे नाल हमेशा थर्ड फॉर्म आती है वर्ब दी। ठीक है, ब्रिंग मैंने ले आना, ब्रॉट मैंने ले आया, तो हैज हैव हैड दे नाल आएगा ब्रॉट, थर्ड फॉर्म आएगी। हुण इहनूं किदां समझिए भी कित्थे वरत्या जा रहा है। मान लो बीजी ने अपने पुत नूं कहा भई हरमन जा बाजार जाके थोड़ी सब्जियां लै आ, ए बड़ियां। तो यह गल कोल बापू जी बैठे से दूजे कमरे च, वेहड़े च बैठे से, उन्होंने कन्नी पै गई कि जड़ी माँ हैगी है वो पुत नूं कह रही भी जाके सब्जियां लै आ। तो फिर उत्थों बोले, विचों ड्यूटी विचों बोले, वरांडे चो बोले, या जिते अखबार बैठे पढ़ते सिगे, ही नीड नॉट गो टू दी मार्केट। उन्होंने मार्केट जाने की कोई लोड़ नहीं हैगी। आई हैव ऑलरेडी ब्रॉट दी वेजिटेबल्स, मैं सब्जियां पहला ही लै आया हाँ। सो नीड नॉट हुंदा बच्चों, तां लोड़ नहीं, जान दी लोड़ नहीं, करन दी लोड़ नहीं। ठीक है ना, यू नीड नॉट स्टे हेयर, तेनू इत्थे ठहरन दी लोड़ नहीं। यू नीड नॉट वेट, तेनू इत्थे उड़ीक करन दी लोड़ नहीं। यू नीड नॉट परचेज दिस, तेनू इस नू खरीदन दी लोड़ नहीं। आई विल गिव यू एज अ प्रेजेंट, मैं तेनू एक तोहफे वजो यह चीज़ देवांगा। ठीक है, सो इस तरह का नीड नॉट। ठीक है, सो जिदा अगर होर देखिए, आई शैल लेंड यू माई पेन। लेंड होंदा है उधार देना, बोरो होंदा है उधार लेना। सो कहिंदा आई शैल लेंड यू माई पेन, मैं तेनू अपना पेन उधारा दे देवांगा। हुण शर्त है, इफ जे यू गिव मी योर नोटबुक, जे तू मैनू अपनी नोटबुक देवे, मैं तेनू अपना पेन उधारा दे देवांगा। सो आई शैल है फ्यूचर की गल हो रही है, भविष्य की, मैं दे देवांगा, ए सिंपल फ्यूचर हैगा। ठीक है, फिर यू विल गेट अ प्राइज, तेनू इनाम मिलेगा कदों, इफ जे यू फिनिश योर वर्क इन टाइम। फिनिश योर वर्क, जे तू अपना काम मुकम्मल कर लें, पूरा कर लें, कदों पूरा कर लें, इन टाइम। इन टाइम मैंने समय सिर, जिन्ना समा तेनू दिता गया है, जे उस समय के दौरान, उस समय के अंदर अंदर तू अपना काम पूरा कर लें, तो तेनू इनाम मिलेगा। यह भी भविख है, जे तू कर लें तां तेनू इनाम मिलेगा। जे तू मैनू अपनी नोटबुक दवें, मैं तेनू अपना पेन उधारा देवांगा। सो यू विल गेट अ प्राइज, अ प्राइज एक प्राइज, वो सरप्राइज है, वो पता नहीं है, तेनू कोई इनाम मिलेगा जे तू अपना काम समय सिर पूरा कर लेगा। हुण आगे बच्चों एक्सरसाइज टू, स्टडी दी सॉल्व एग्जाम्पल्स गिवन बिलो। दो एग्जाम्पल हल करके दिते ने, खब्बे पासे सज्जे पासे, एंड यूज कैन कैन नॉट। कैन मैंने समर्था जताउंदा है, कर सकदा है, सकदी है, सकदे हन। कैन नॉट समर्था नहीं जताउंदा, नहीं कर सकदे, नहीं कर सकदा, नहीं कर सकदी। ठीक है, इन दी सेंटेंसेस यू फ्रेम, तुसी सेंटेंस बनाने ने। कहिंदे उन्हें एग्जाम्पल दिता, कहिंदे लिस्ट फाइव थिंग्स यू कैन डू, कोई भी पांच चीज़ां लिखो जिहड़ियां तुसी कर सकदे हो। लिस्ट फाइव थिंग्स यू कैन नॉट डू, ते कोई भी पांच ऐसी क्रियावां लिखो, चीज़ां लिखो जो तुसी नहीं कर सकदे। उन्होंने तुहानू दो एक एग्जाम्पल दे दिता, पहले आई कैन ड्राइव अ कार, मैं गड्डी चला सकदा हाँ। आई कैन नॉट फ्लाई अ प्लेन, मैं हवाई जहाज नहीं उड़ा सकदा, प्लेन नहीं उड़ा सकदा। हुण अगे एग्जाम्पल मैं बच्चे तुहाने बना दिते ने, पर तुसी बच्चों ए ते ना टिके हो। हुण मैं अपने लो बनाए ने एग्जाम्पल, मैं तुहानू ताकीद करदा, तुहानू प्रेरणा करदा कि तुसी भी सोचो, इधरों तुहानू बड़ा सारा आइडिया मिल जाएगा। तुसी भी सोच के इदां दे वाक बनाओ, इहदे नाल तुहाडा अभ्यास होएगा ते तुहाडा आत्मविश्वास वधेगा। ठीक है, सो पहला मैं कहड़ा बनाया, आई कैन मेक टी, मैं चाह बना सकदा हाँ। आई कैन नॉट मेक रोटीज, मैं रोटियां नहीं बना सकदा। फिर आई कैन राइड अ बाइसिकल, मैं साइकिल चला सकदा हाँ, दो पड़ुआ वाली साइकिल चला सकदा हाँ। आई कैन नॉट रिपेयर अ पंक्चर, पर जे ट्यूज पंचर हो जाए, छेक हो जाए, मैं उहदी मरम्मत नहीं कर सकदा, मैनू पंचर दी मरम्मत करनी नहीं आउंदी, मैनू साइकिल चलाउणी आउंदी है। आई कैन राइड अ बाइसिकल, आई कैन नॉट रिपेयर अ पंक्चर। अगा अगले अगे, आई कैन वॉश क्लोथ्स, मैं कपड़े धो सकदा हाँ। आई कैन नॉट आयरन क्लोथ्स, मैं कपड़े प्रेस नहीं कर सकदा। ठीक है, सो आयरन मैंने लोहा भी होंदा है, आयरन मैंने क्यों लोहे की प्रेस बनी होंदी है, सो प्रेस नूं आयरन कहा जाता है, तो टू आयरन प्रेस करना। आई कैन नॉट प्रेस क्लोथ्स भी कह सकते हैं, आई कैन नॉट आयरन क्लोथ्स भी कह सकते हैं। ठीक है, आई कैन नेविगेट अ शिप,
मैं बच्चे मर्चेंट नेवी च रहा, मैं 3 साल जहाज ही चलाया है ना। 82 विच मैं टीएस सुरेंद्र की ट्रेनिंग ज्वाइन की, फिर मैं 87 च अपना पहला पेपर पास किया सेकंड मेड का, तो उदों तो लैके फिर मैं काफ़ी साल जहाज चलाए ने, कप्तान भी बन गया फिर। सो जहाज चलाने कहते हैं नेवीगेट, जिदा गड्डी वाहन में चलाना सड़कों पर उन्होंने कहते हैं ड्राइव, तो जोड़ा प्लेन होंगे उन्होंने कहा जाता फ्लाई, एरोप्लेन आई कैन नॉट फ्लाई अ प्लेन, तो जोड़ा जहाज है पानी वाला उन्होंने ड्राइव नहीं कहते, उन्होंने कहते नेवीगेट, आई कैन नेवीगेट अ शिप, मैं पानी वाला जहाज चला सकता हाँ, आई कैन नॉट ड्राइव अ बस, पर मैं कोई बस नहीं चला सकता। जो तुम कहो भाजी बस चला के दिखाओ, मैं बस चलानी नहीं आती, पर मैं जहाज चला लेना पानी वाला, ठीक है। आई कैन डिग अ पिट, डिग मैंने खोदना, पिट मैंने टोआ, मैं टोआ पुट सकता हाँ, आई कैन नॉट प्लो अ फील्ड, इन पलफ नहीं बोलना प्लो बोलना है, प्लो होंगे हल, ते जे हो जाए नाउन, नाउन हो जाए फिर होएगा हल, ते जे वर्ब हो जाए फिर हल बोना, खेत बोना, मैं खेत नहीं वाह सकता, मैं खेत दे विच हल नहीं वाह सकता, पर मैं टोआ पुट सकता हाँ के ही दे नाल, ठीक है। सो बच्चों देखो इधर तुहानू किन्ना सारा आइडिया मिल गया, किन्नियां चीज़ां सारियां हैगियां। सो जिदा मैं कहां आई कैन डू पुशअप्स, मैं डंड कर सकता हाँ, बट आई कैन नॉट डू सिटअप्स, जिहड़ियां बैठकां ने मैं वो नहीं कर सकता। इस तरह तुसीं सोचो बड़ा कुछ है ना, जिदा आई कैन मेक अ सैंडविच, आई कैन नॉट मेक मैगी, ठीक है। ये तो सोचो बड़े सारे सेंटेंस इदा बनाओ, तो तुहानू अभ्यास होएगा, जिहड़ी क्रियावां ने वर्ब्स हैगियां ने उहदे बारे भी तुहानू पता लगेगा। आओ अगे चलिए, हुण आ गई एक्सरसाइज 3, फिल इन दी ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट मॉडल्स, मॉडल्स मॉडल्स मॉडल नहीं बोलना मॉडल्स बोलना है, ढुकवें मॉडल्स है राही इन्हां जिहड़ा हैगा वो खाली थां भरो, ते इहदे विच उहनां विचों ब्रैकेट विच दित्ते होए ने ते इहनां चों चुनना आपां, ठीक है। कई जगह ते देखोगे दोनों पॉसिबल होणगे। सो पहला हैगा विल यू डू मी अ फेवर, फेवर हुंदा मेहरबानी या कोई एहसान करना या कोई हक दा मेरी मतलब दा कम करना, ठीक है ना। सो विल यू डू मी अ फेवर अर्थात तू मेरे ते एक कृपा करेगा, मेरे ते एक मेहरबानी करेगा, जब बंदा कम करने तो पहले कहता है विल यू डू मी अ फेवर, असी कहने कहने यार एक कम करेगा, वो कहने दस की है, पहले दस, कहना नहीं पहले दस तू करेगा या नहीं करेगा। सो जदों असी इदा कहना हो किसी यार तू मेरा एक कम करेगा, तो वो असी अंग्रेजी च कह दिंदे हां विल यू डू मी अ फेवर, ठीक है ना, विल यू डू मी अ फेवर भी तू करेगा, ठीक है। फिर अगर वी नीड नॉट बाय एनी शुगर, सानू होर चीनी लैण की लोड़ नहीं, बाय वन खरीदना, खरीदने की लोड़ नहीं, सानू होर चीनी बिल्कुल भी कोई होर चीनी खरीदने की लोड़ नहीं, क्यों, देर इज एनफ, पहले ही काफ़ी हैगी है इन दी हाउस। ए बच्चों इन दी दो बार छप गया, प्लीज इनू कट लो, ए इन दी भी इतने भी आ गया ते इन दी इत्थे भी आ गया, ठीक है। ए टाइपिंग विच मिस्टेक हो गई मेरे को, सो एक इन दी जड़ा हैगा वो कट दवो। सो देयर इज एनफ इन दी हाउस, हाउस ने घर विच पहला ही काफ़ी चीनी है, सानू होर खरीदन दी लोड़ नहीं है, ठीक है, नीड नॉट। दी रिच शुड हेल्प द पुअर, जड़े अमीर ने उन्होंने गरीबां दी मदद करनी चाहिदी है, ए फर्ज हैगा शुड। हुण बच्चों इत्थे मस्ट भी आ सकदा है, मान लो मैं तुहानू एक सिनारियो एक सीन दसदा भी मस्ट कितने आएगा, मान लो एक डिक्टेटर कंट्री हैगा या कोई देश की हालत खराब है, उत्थे अमीरों ते गरीबों से वंड बड़ी हैगी है, तो सरकार कहती असी टैक्स लाने ने, तो फिर वो भाषण दिंदा लीडर, तो कहता भी भाई मैं टैक्स लाने जा रहा, तो द रिच मस्ट हेल्प द पुअर, भी गरीबा अमीरों को गरीबों की मदद करनी ही पेगी, भी ता करके मैं टैक्स ला रहा, भी हालत देश की बड़ी खराब है, भुखमरी हैगी है, लोगों को खाण पीन नहीं है, रोटी नहीं है, पानी नहीं है। सो उस ढंग विच उस कॉन्टैक्स विच उस संदर्भ विच जिथे जोर पा के कहना है करना ही पेगा, असी वरतांगे मस्ट, पर इत्थे एक जनरल असी गल कर रहे हैं, जिथे चार बंदे बैठे गल कर रहे हैं, कोई समाज की समस्यावां दी गल कर रहे हैं, असी कहने भी पाड़ा वाड़ा है अमीर गरीब विच, ते फिर बंदा कहिंदा जी रिच शुड हेल्प दी पुअर, कि जिहड़े अमीर ने जिहड़े धनवान ने धनवंत ने उहनां नूं गरीबां दी मदद करनी चाहीदी है, पर जे मस्ट आ जाए फिर एक किस्म का हुक्म है, एक किस्म की कंपल्शन है, मजबूरी है, द रिच मस्ट हेल्प द पुअर, तो सरकार कहती है असं टैक्स लावे लावे, क्योंकि असी सानू लगता है कि जोड़े अमीर ने उन्होंने गरीबों की मदद करनी ही पेगी, ठीक है। फिर अगे आ गया दी ब्रीज, ब्रीज होंगी बच्चे हवा, विंड होंगी हनेरी, ब्रीज होंगी है हवा चलती मध्यम जी बहुत तेज जी नहीं होंगी, उन्होंने कहते ब्रीज,
दी ब्रीज इज कोल्ड, हवा ठंडी है एंड फ्रेश अति ताज़ी है, इट माइट रेन सून। माइट जड़ा होंदा है, मैं एक जगह मे भी वरते हैं माइट भी वरते, माइट होंदा है संभावना थोड़ी, ठीक है, मतलब माइट रेन। एक बंदा आम बंदा कह देता है, जो बंदा दावे नहीं करता, कहना शायद मीह पै जाए, ठीक है, इनू इदा कहो शायद मीह पै जाए, ठीक है। तो दूजे बंदे यदा मतलब की होएगा, द ब्रीज इज कोल्ड एंड फ्रैश, हवा ठंडी और ताज़ी है, इट मे रेन सून, लगता छेती ही मीह पेगा, लगता है छेती ही मीह पेगा, इट मे रेन सून। इतने संभावना थोड़ी ज़्यादा है, इतने संभावना थोड़ी घट है, इट माइट रेन सून, शायद छेती मीह पै जाए, क्या कहे शायद छेती मीह पेगा, ठीक है ना। सो माइट जड़ा है इस संभावना थोड़ी दूर दी है, इस संभावना थोड़ी ज्यादा है, ठीक है। अगे आ गया शी कुड स्पीक फ्रेंच, फ्रेंच बचो फ्रांस कंट्री है, तो फ्रेंच की हो गया उत्थे दी बोली, ठीक है ना। सो शी कुड स्पीक फ्रेंच, जिदा असी पंजाब सूबा है तो बोली कड़ी है पंजाबी। सो शी कुड स्पीक फ्रेंच वैन शी वॉज हार्डली फोर, हार्डली फोर मैंने यदा मतलब कि शी वॉज हार्डली फोर, हाले मसा चार साल की सी, हार्डली फोर मैंने मसा चार साल की सी तदों वो फ्रेंच बोल सकती सी। ए बीते की गल हैगी है, ठीक है ना। ए पास्ट टेंस की गल है कि जदों वो मसा चार साल की सी वो फ्रेंच बोली बोल सकती सी, ठीक है। ही मे हैव स्टोलन योर पेन, हुण कोई बंदा पेन गुआच गया इधर उधर लभ रहा, तो किसी ने शक जताया, कहिंदे शायद उन्हें तेरा पेन चोरी कर लिया होना है। ही मे हैव स्टोलन योर पेन, शायद उन्हें तेरा पेन चोरी कर लिया होना है, या शायद उन्हें तेरा पेन चोरी कर लिया होवे, ठीक है ना। ए मे मे मतलब कि इतने कैन तो आ ही नहीं सकता, इतने कैन हैव तो गल बनेगी नहीं, सो मे हैव शायद उन्हें तेरा पेन चोरी कर लिया होवे। एक बंदा कई बार बदनाम हो जाता है, एक दो बार पहले चोरियां कीतियां होन तो फिर शक की सूई उत्ते जाती है, सो कहिंदा ही मे हैव स्टोलन योर पेन। आई एम अफरेड, अफरेड होंदा डर, ठीक है ना, मैं डरिया होया हाँ, इतने मतलब कि है वे मैं इस गल का खदशा है। आई एम अफरेड द न्यूज़ माइट बी ट्रू, जी खबर बुरी खबर आई है कित सच ही ना हो, मैनू खदशा है, आई एम अफरेड, मैनू शक है, मैनू खदशा है, मैनू फिक्र है, मैनू इस गल का खौफ है, द न्यूज़ माइट बी ट्रू, जी खबर आई है कित सच ही ना हो, मतलब कि ना हो चंगी गल है, माइट बी ट्रू बहुत घट संभावना है कि मैनू डर है कित है खबर सच्ची ना हो जाए, ठीक है। शी कैन नॉट डिसओबे हर हसबेंड, हूँ शी शुड नॉट तो थोड़ी ना गल नहीं बनती, जदि अजक जिदा मॉडर्न जमाना है कि शी शुड नॉट डिसओबे हर हसबेंड, है कोई 21वीं सदी है, इतने बंदे एक उपदेश कर रहा है कि उन्होंने अपने पति का कहना मुड़ना नहीं चाहिए, ठीक है ना। असी औरत बराबर का दर्जा दिने, हूँ पति कोई गल पुट्ठी सीधी भी कर सकता है, तो औरत वो पत्नी को हक हैगा इस गल कह, पर इतने गल की आ रही है उन्हें क्यों आएगा कैन नॉट, भी वह जो हसबेंड है बड़ा डड है, मतलब कि मूर्ख किस्म का अहंकारी है, तो बंदा कहता शी कैन नॉट डिसओबे हर हसबेंड, भाई वह तो अपनी अपने पति का कह मोड़ नहीं सकती, तू उन्हें कह तो रहा भी इदा कर लै उदा कर लै चल चलीए, या इदा उ अपनी सहेली सहेली दो सहेलियां ने वो बारे गल कर रही ने, तो भी आ चलीए कोई गल नहीं, तू उन्हें कह दी पति अपने इदा, तो कहती दूजी कहती नहीं नहीं भैने रहन दे, अड़िए इदा नहीं है, शी कैन नॉट डिसओबे हर हसबेंड, वह आदमी तो बड़ा डाडा है, वो बड़ा बेवकूफ किस्म का आदमी है, शी कैन नॉट डिसओबे हर हसबेंड, ओबे मैंने कहना मनना, डिसओबे मैंने कहना ना मनना, या कहा कहने मोड़ना, शी कैन नॉट डिसओबे हर हसबेंड, अर्थात वो तो भाड़ावा अपने पति का कहा मोड़ नहीं सकती, ठीक है। फिर इदा गया हाउ विल यू राइड अ बाइसिकल विदाउट ब्रेक्स, वो बंदा कहता यार सैकल नहीं माड़ी जी, मैं सैकल चला के देखनी है, तो मैं क्या भाई इस ब्रेक नहीं है, कहना नहीं दे तो सी मैं सैकल चलानी है, तो मैं उन्होंने कहूँगा हाउ विल यू राइड अ बाइसाइकिल विदाउट ब्रेक्स, कि तू कोई भी सैकल ब्रेकों तो बिना किदा चलाएगा, है यानी ब्रेक तो नहीं किदा चलाएगा। पर बच्चे हो इतने कैन भी आ सकता, हूँ मैं तुम्हें सिचुएशन दसदा भी कैन कितने आएगा। एक मान लो मेरा दोस्त मेरे घर आया सैकल पर आया, ठीक है, तो असं मन के चलते हैं कि वह शहर च नहीं रह रहे जिते रश नहीं है, पिंडा इलाका है,
ਤੇ ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਬੜੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਸਾਈਕਲ ਹੈ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਚਲਾ ਲਵਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਸ਼ਪਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਬੰਨ ਤੇ ਮੈਂ ਮੜਾ ਜਿਹਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਲੇ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਈ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਾਈਕਲ ਮੋੜ ਲਈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਤੇ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਉਤਰਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਭਰਾਵਾ ਸਾਈਕਲ ਤੇਰੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤੂੰ ਇਹ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਂਦਾ? ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ, ਹਾਊ ਕੈਨ ਯੂ ਰਾਈਡ ਅ ਬਾਈਸਾਈਕਲ ਵਿਦਆਊਟ ਬ੍ਰੇਕਸ? ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੈਂ ਸੜਕ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਚੇ ਬੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਟੂਰ ਕੱਟਣ 'ਤੇ, ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਾਈਕਲ ਮੋੜੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਾਊ ਕੈਨ ਯੂ ਰਾਈਡ ਅ ਬਾਈਸਾਈਕਲ? ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਰਾਜ ਕੋਈ ਸੜਕ ਵੀ ਆਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਬੱਚੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਈ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਹਲਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਲੇ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਜੇ ਦੀ ਨਾ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਟਾਇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਘਸਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਟਾਇਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੌਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਉਹ ਰਿਸਕੀ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੈਨ ਵਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕੈਨ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਲਈ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਖੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਭਾਈ ਇਹ ਤੂੰ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਈਕਲ ਕਿੱਦਾਂ ਚਲਾ ਲੈਂਦਾ? ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਾਂਗੇ? ਹਾਊ ਕੈਨ ਯੂ ਰਾਈਡ ਅ ਬਾਈਸਾਈਕਲ ਵਿਦਆਊਟ ਬ੍ਰੇਕਸ? ਵੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਈਕਲ ਕਿੱਦਾਂ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦਾ? ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਹਾਊ ਵਿਲ ਯੂ ਰਾਈਡ? ਵੀ ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਈਕਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਲੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਦੇ ਦੇ ਯਾਰ ਸਾਈਕਲ, ਫੇਕ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਘੜੀ ਕੁ ਲਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਹਾਊ ਵਿਲ ਯੂ ਰਾਈਡ ਅ ਬਾਈਸਾਈਕਲ ਵਿਦਆਊਟ ਬ੍ਰੇਕਸ? ਵੀ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਵੀ ਤੂੰ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਈਕਲ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਏਗਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਏਗਾ, ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਕਹਿਣ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਚਲਾ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹਾਊ ਕੈਨ ਯੂ ਰਾਈਡ ਅ ਬਾਈਸਾਈਕਲ ਵਿਦਆਊਟ ਬ੍ਰੇਕਸ? ਵੀ ਤੂੰ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਈਕਲ ਕਿੱਦਾਂ ਚਲਾ ਲੈਂਦਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਕੈਨ ਔਰ ਵਿਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਆ ਗਿਆ ਆਖਰੀ, ਕੈਨ ਆਈ ਹੈਵ ਅ ਹੋਲੀਡੇ? ਇਹ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਮੈਂ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਕੈਨ, ਨੀਡ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਨੀਡ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਡ ਆਈ ਹੈਵ ਅ ਹੋਲੀਡੇ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਦੋ ਦੋਸਤ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਨਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਇੰਨੀ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈ ਹੋਲੀਡੇ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਸੱਚੀ ਉੱਚੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਉਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨੀਡ ਆਈ ਹੈਵ ਅ ਹੋਲੀਡੇ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਕਈ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਮੈਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਓ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਇਹ ਬੈਠੇਗਾ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕੈਨ ਆਈ ਹੈਵ ਅ ਹੋਲੀਡੇ ਆਪਣੇ ਬੌਸ ਕੋਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਕੋਲੋਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਘਰ ਕੰਮ ਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਫੋਨ 'ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੈਨ ਆਈ ਹੈਵ ਅ ਹੋਲੀਡੇ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਮੈਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਿਤਾਬ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਝ ਦੇ ਨਾਲ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ ਤਦ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਯੂਟਿਊਬ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਾਧਨ ਬਹੁਤ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਵੋ। ਪਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰ ਬਾਰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡਾਟਾ ਵੀ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਕਰੀਨ ਉੱਤੇ ਅੱਖਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਟਿਕਾਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨੋਟਬੁੱਕ 'ਤੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਭਿਆਸ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਲਈ ਗੁੱਡ ਬਾਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਰੱਬ ਰੱਖਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ।